हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ डाउट्स हैं जो आपके, वो मैं क्लियर करूँगी। सो जो मेरा जो सैमसंग का मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है और सारे के सारे फंक्शंस बताऊँगी आपको। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुकी हूँ मैं, लेकिन मुझे बताना था कि क्विक वॉश कितना अच्छा काम करता है और अब इसमें कपड़े किस तरीके से धो सकते हैं, क्या आप बाल्टी से पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर भी वीडियो बनाया जो कि मुझे कुछ खास अच्छा लगा। फिर हम लोग इसमें जो टब क्लीनिंग वाला ऑप्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ। सो मैं उसके बारे में बात करूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी डेमो कैसे मैं वॉश करती हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ना ये लगा हुआ है जिसमें आपको दिखेगा नहीं। और सबसे पहली बात, जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदें उस टाइम ही आप डेफिनेटली कवर ले ले, बिकॉज अगर आपका वॉशिंग मशीन बाहर की तरफ रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो सकती है और थोड़ी बहुत आपको हल्की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मेरा ओपन एरिया में वॉशिंग मशीन है। सो ये वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक सैमसंग का है और इसमें आपको कुछ वॉश मिल जाते हैं। ये रहा सबसे पहले नॉर्मल, सुपर क्लीन, क्विक वॉश, डेलीकेट, एक्वा प्रिजर्व, जीन्स, एनर्जी सेविंग, रिंस एंड स्पिन एंड इको टब। तो सबसे पहले बता दूँ, अगर जैसे कि आपको रिंस एंड स्पिन वाला ऑप्शन है, जैसे कि आपके कुछ नए कपड़े आप बाहर से खरीद के लाए और आपको सिर्फ हल्का सा वॉश करना है, तो आप रिंस एंड स्पिन यूज़ कर सकते हैं। बस आपको रिंस एंड स्पिन को यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ प्लग ऑन कर देती हूँ मैं। ये रहा, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आए, ये रिंस एंड स्पिन हो गया, बस आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। लेकिन आपको सबसे पहले, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये दोनों तो सिलेक्ट कर लेता है ये, लेकिन ये दोनों नहीं करता, तो आपको इन दोनों को अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर कपड़े दो तीन है या फिर कम है तो आप वन ही यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो आप दो यूज़ करिए और इसमें आप 30 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको क्विक वॉश करके दिखाऊँगी, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस। और अगर आपको जैसे कि बाल्टी से पानी डालना है, वैसे तो पता नहीं वीडियो लोगों ने बनाया क्यों और इतना वीडियो चला क्यों, ये नहीं समझ आया। फुली ऑटोमेटिक में बाल्टी से पानी डालने का कोई ऑप्शन, मतलब फ़ायदा ही नहीं है, तो इट मींस कि आपको वॉशिंग मशीन लेना ही नहीं चाहिए था अगर आपको बाल्टी से पानी डालना है। अगर आपका तब भी मन है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, टैप वाटर नहीं आ रहा है, मान लीजिए पानी नहीं आ रहा एक दिन और आपको कपड़े धोने हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे कपड़े धोएंगे, तो जो सबसे पहले जो यहाँ पर प्लग है दिखा देती हूँ, ये जो प्लग यहाँ पर है, ये आपको सबसे पहले बंद कर देना है, ये वाला, ये जो टैप है इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद क्या करना है, आपको नॉर्मली ही जैसे आप पानी डालते हैं बाल्टी से पानी डाल सकते हैं उस सिचुएशन में। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये देख सकते हैं आप, ये वाटर लेवल का ऑप्शन है, वॉश टाइम का ऑप्शन है, रिंस का है और स्पिन का है, तो आपको अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना है। सो मुझे अभी ऑब्वियसली मैंने बाल्टी से पानी डालना नहीं है, मुझे नॉर्मली आपको वॉश करके दिखाना है। अब मैं दिखाती हूँ कैसे, पहले तो मैं कपड़े अंदर से डाल लेती हूँ और मैं जो अभी कपड़े वॉश करके दिखाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। विंटर के कपड़े आप कितने जल्दी, बहुत ही आधे घंटे के अंदर अंदर आप इसमें वॉश करके मैं दिखाऊंगी। अभी आपको सारे पहले कपड़े लोड कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे कपड़े को अच्छे से यहाँ पे लोड कर दिया है। अब आपको मैं, या तो आप इस डिटर्जेंट में वो डाल सकते हैं, नहीं मानना है तो आप डायरेक्टली यहाँ भी डाल सकते हैं, और ये रहा सॉफ्टनर या फिर डिटर्जेंट, जो भी आपको कंफर्ट डालने का, मैंने आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगी डायरेक्ट यहाँ पर डाल के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे दिखा रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हो, ज़्यादा झंझट ना लगे। तो जो मैं यूज़ करूँगी इसमें वो करूँगी लिक्विड, आप इसमें सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये है लव एंड केयर का मैं यूज़ करूँगी, ये आपको दिखाऊँगी एक ढक्कन डाल के इसमें अभी। सो ये रहा, इसमें एक ढक्कन से ज़्यादा मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ जो आपको किसी ने अभी तक वीडियो बनाई नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग बनाते हैं वो इसमें डाल के बनाते हैं, लेकिन इट्स नॉर्मल। आपको बस यहाँ पे यहाँ से ऐसे कर देना है बंद, और यहाँ पे मैं जाऊँगी फिर से, ये रहा क्विक वॉश। क्विक वॉश करते आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है सब, बस आपको यहाँ पे वाटर लेवल सेट कर दिया मैंने वन, बिकॉज कपड़े हैं कम तो हम इसे करेंगे बस स्टार्ट। और मैंने यहाँ पे 3 मिनट्स है और यहाँ पे 15 मिनट, तो ये मैंने मानसून वाला नहीं किया है, और ये है विंटर के कपड़े, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, दिखा तो सकती नहीं, बता सकती हूँ कि किस तरीके से। पहले सबसे तो आप देख सकते हैं ये अपने आप को सेंस करता है कपड़े कितने हैं, तो अभी वो सेंस करना स्टार्ट करेगा, और ये भी मैं बताऊँगी अभी, तो उसको धोना स्टार्ट करेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि मान लीजिए ये कपड़े धुल रहे हैं और आपको इस बीच में आपको याद आ गया कि आपको एक्स्ट्रा कपड़े और अंदर डालने थे, भूल गए आप, तो आपको कोई कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे
पॉज करना है और ऐसे ओपन करके डाल सकते हैं जब भी आपको बीच में मन करे। तो यहाँ पे फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए कि इससे प्रोसेस अपना स्टार्ट कर ले। तो अब हम मिलते हैं बिल्कुल 34 मिनट्स के बाद, अभी सेंस करना स्टार्ट कर रहा है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं आपको दिखा दूँ, ये पे 20 मिनट्स बचा है और यानी कि इसने वाटर वॉश कर चुका है और रिंस कर रहा है वो, यानी कि पानी खंगार रहा है, मतलब बाल्टी वाल्टी में डाल के जो कपड़े धोते हैं ना वो 3 मिनट के अंदर अंदर सारा वॉश करके आपको दे देगा। तो ये रहा, सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। और अगर आपके घर में कभी पानी ख़त्म हो गया है या पानी नहीं आ रहा है तब भी आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, तो आप इजीली या तो पाइप से या तो बाल्टी से पानी भर सकते हैं और आपको एक बार और पानी डालना पड़ेगा वॉश करने के लिए। सो ये रहे कपड़े हो चुके हैं और आप देख सकते हो फिर से वो पानी लेगा नीचे से, ये देख सकते हैं पानी लेना स्टार्ट कर दिया उसने। तो इस तरीके से वो पानी लेंगे। तो अगर आप जैसे कि पाइप से या फिर बाल्टी से कपड़े धोएंगे तो उस टाइम क्या आपको एक बार और पानी डालना पड़ेगा इसमें, जिस तरीके से ये अभी वॉश करेगी, ये ऑटोमेटिक है, खुद से नल कैसे पानी आ रहा है इसलिए इसने धो लिया। तो आपको इस तरीके से ही सेम, और जब कपड़े अगर स्पेशली बाल्टी से या फिर पाइप से धोएंगे तो आपको क्या करना है, जितने भी कपड़े हैं उससे ऊपर लेवल तक पानी होना चाहिए तो जाके आपके कपड़े धोएंगे। तो उस तरीके से मैनुअली भी आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट में अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं करा है, लेकिन मुझे पता है कि फंक्शंस होते किस तरीके से हैं। सो बहुत ही सारे फंक्शंस हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इको टब आपको तब यूज़ करना है जब आपको कपड़े जब आप वॉश कर रहे हैं और सूखने के बाद आपको लगे कि कपड़े में कुछ गंदा गंदा सा हो रखा है, उस टाइम आप समझ जाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक क्या कहते हैं सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रेड कलर का यहाँ पर हो जाता है, तब भी आप कर सकते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, पावर ऑन करना है, इको टब को ऑन इसको क्लिक करना है, जैसे कि ये जो वहाँ यहाँ से साइकिल से, बस वो अपने हिसाब से सारा कुछ कर देता है। और आपको इसमें कोई भी डिटर्जेंट या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना होता है इको टब में, तो डेफिनेटली आप उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिए। तो अभी हम इसके करने देते हैं एक बार और रिंस। तो रिंस कर रहा है अच्छे से, अभी रिंस इसमें अभी देख सकते हैं पानी पूरा भरेगा अपना, और डेली उसके कपड़े आप आराम से इसमें धो सकते हो, तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे क्विक वॉश ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा इन सबसे, अगर आपको डेली कपड़े धोने हैं, और अगर आपको बहुत ही क्लीन कपड़े चाहिए तो आप इसमें से कुछ और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी में कपड़े चाहिए, आधे घंटे के अंदर कपड़े चाहिए, तो आप क्विक वॉश यूज़ कर सकते हैं। रियली होप कि अभी तो देखते हैं कि क्या होगा, फुल कपड़े मिल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और जब कुछ कपड़े तो जो जिसमें जैसे कि हो गए सॉक्स हो गए या फिर जो कपड़े जिससे गंदे हैं वो आपको साफ़ करने पड़ेंगे, बिकॉज सर इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम साफ़ करके देगा, नहीं करके देगा, जो सॉक्स में बहुत एक्सट्रीम गंदे होते हैं नीचे से वो तो आपको रगड़ना पड़ेगा, तो ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक में भी सेम चीज़ होती है, या फिर नॉर्मली हैंड वॉश भी जो करते हैं तो उसमें भी आपको जो गंदगी है उसको रगड़ना तो पड़ता है, वैसे ही इसमें है। मैं कोई हर चीज़ पॉजिटिव नहीं कह सकती किसी चीज़ के बारे में, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपको कुछ गंदे कपड़े लग रहे हैं तो आपको खुद से वॉश करने पड़ेंगे, वॉश में रगड़ना पड़ेगा, और रगड़ने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा देती हूँ वहाँ पर जाना। ये यहाँ से करते हैं हम पहले पॉज, और ये दिख रहा है आप, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आप रगड़ने के लिए इन लोगों ने ऑप्शन दिया, आप यहाँ से रगड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे बंद कर देना है, ये रहा, फिर से इसको कर देना है स्टार्ट, जिससे कि अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो जब वन लेवल होता है तो वन लेवल में आप देख सकते हैं कहाँ तक वो पानी लेता है, सो टू लेवल जिस दिन कर देंगे ना मतलब बहुत ज़्यादा पानी ले लेता है वो, सो आप अकॉर्डिंग ही करिएगा। सो अब मिलते हैं डायरेक्ट 16 मिनट्स के बाद, क्योंकि अभी वो पानी लेगा अच्छा खासा वॉश करने के लिए। सो देख सकते हैं अब उसने बंद कर दिया, अब उसने सॉफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये वॉबल टेक्नोलॉजी है, तो ये ऐसा नहीं है कि उछाल उछाल के कपड़े धोता है, ये क्या है कि आपको जो फ्रंट लोड होता है उसमें आपको बहुत कपड़े वैसे करके वो वॉश करता है, लेकिन जो इस वाले में ऐसे ऐसे से घूम घूम के वॉश करता है। सो इस तरीके से उसका वॉश तरीका है, तो मैंने आपको बता दी क्विक वॉश में कैसे। अब मिलते हैं हम डायरेक्ट जब कपड़े सूख जाएंगे तब, जो मुझे लगता है काफ़ी ईजी, आधे घंटे में तो कपड़े धुल के आपको मिल जाएंगे डेली वॉश के, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये खुद से बंद हो गया है, और बंद होने से पहले एक साउंड आता है इसमें, तो ये रे कपड़े धुल के अच्छे से वॉश हो गए। मैं अब दिखाती हूँ कौन से कपड़े वॉश हुए हैं कौन से कपड़े वॉश नहीं हुए। आपको बता रही थी कि अगर आप इस तरीके के कपड़े जैसे कि सॉक्स, अगर आप इसको रगड़ेंगे नहीं तो ये इस लेवल का साफ़ करके देगा, अच्छे से साफ़ नहीं करेगा,
ये रहा, जो ज़्यादा गंदे होते हैं वो जो हल्के होंगे तो वो तो वॉश कर देगा, जैसे कि ये हल्का गंदा था तो इसने इसको वॉश कर दिया, लेकिन ये वाले होते भी ज़्यादा गंदे, तो ये इस तरीके से कपड़े वॉश करके दे चुके हैं। सो आई रियली होप कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।